गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में फिर मैं आप लोगों के साथ क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑप्शनल 7.4 का डिस्कस करने वाला हूं। तो मैंने बार बार बताया कि ऑप्शनल कोई बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं होती है, बशर्ते कि आपको पीछे के टॉपिक्स अच्छे से कवर हो और थोड़ा बहुत आपको जैसे अल्जेब्रिकली आप स्ट्रांग हो या अदर सेक्शन जो आपका मैथ का थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत वास्ट होता है आपका ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे ट्रीट करते हैं कि ये बहुत ही टफ होता है, ऑप्शन छोड़ करके चलते हैं, बट मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ऑप्शन मत छोड़िए। आइए अगर मैथमेटिक्स चाहते हैं कि सीखे तो ऑप्शन क्यों बने। ऑप्शन क्या होते हैं कि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बच्चे को जैसे कि मान लीजिए कि आपको मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया और उससे रिलेटेड 5-10 क्वेश्चन करवा दिया, तो बच्चे को लगेगा मुझे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। बट ऐसी बात होती नहीं है। अगर आप पहले डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े इंडिविजुअली, फिर इंडिविजुअली सेपरेटली आपने क्या पढ़े, सेक्शन फॉर्मूला पढ़े, फिर एरिया फॉर्मूला पढ़े। बट कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप एरिया और पहले मतलब डिस्टेंस और एरिया सेक्शन फॉर्मूला को मिलाकर पढ़े, डिस्टेंस फॉर्मूला और एरिया फॉर्मूला को मिलाकर के पढ़े, सेक्शन फॉर्मूला एरिया फॉर्मूला को पढ़े, फिर तीनों को मिलाकर के पढ़े। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ना एक स्टेप बाय स्टेप जो होता है ना आपका माइंड का रीजन को वो इम्प्रूव करना सिखाता है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर तीनों को कवर कर ले तो सबसे पहले आप क्या करें कि ईच एंड एवरी टॉपिक का फॉर्मूले को एक जगह रख ले, एक जगह याद कर ले, स्टैंडर्ड नोटेशन वगैरह सबसे अच्छे से आप लोग समझ ले, फिर आप लोग टॉपिक की तरफ चले। अगर आप इतना चीज कर लेते तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी कहानी खत्म, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं। चलिए तो मैं चाहता हूँ अपने टॉपिक्स की तरफ, जैसा कि फिर से मैं बता देता हूँ एक बार रिवीजन करके। मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला के पहले मैंने सबसे पहला डिस्कशन किया, मैंने उसमें तीन फॉर्मूला का आपको डिस्कशन किया और कोई फॉर्मूला नहीं बताया। सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ाया कि अगर कोई पॉइंट ए और कोई पॉइंट बी हो, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो अगर ए और बी को मिला देते हैं तो आपका ए बी बराबर है, मीन डिस्टेंस बिटवीन ए बी बी अंदर x1 x2 y1 y2 ये आपका मेन फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। फिर मैंने दूसरा पार्ट बताया कि अगर ए और बी वो जो आपने लाइन ज्वाइनिंग ए बी किया उसी लाइन सेगमेंट ए बी पे अगर मैंने कोई पॉइंट बी ले लिया जो क्या क्या कि ए बी को m1:m2 में डिवाइड किया, तो उस केस में बी का कोऑर्डिनेट जो होता है आपका m1x2 m2x1 / m1 m2 और सेकंड वाई कोऑर्डिनेट जो होता है आपका m1y2 m2y1 / m1 m2 हो जाता है। फिर मैंने आपको तीसरा फॉर्मूला पढ़ाया, एक एरिया फॉर्मूला, जिसमें बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है और ए का वर्टेक्स अगर आपका x1 y1 है, बी के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर आपका x2 y2 है एंड सी का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर आपका x3 y3 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल बी 1/2 मॉड में रखना है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - 1 + x3 y1 - y2। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि पूरी तरह से आप लोगों को डिस्कस कर लिया इस टॉपिक का। अगर आप लोगों ने इसका पूरा डिस्कस कर लिया तो पूरा का पूरा मैंने एग्जांपल्स एक्सरसाइज सारे टॉपिक्स का हम लोगों ने डिस्कस किए। बट अब हम लोगों को जो डिस्कस करना है मैंने मुझसे वो डिस्कस करना है आप लोगों का ऑप्शनल एक्सरसाइज का। देखिए तो आप लोग आराम से बैठे, देखिए पहले सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज की तरफ से। देखिए ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिख लीजिए ऑप्शनल 7.4 सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है, डिटरमाइन द रेशियो विद द लाइन 2x + y - 4 = 0। एक लाइन है जो इक्वेशन दिया हुआ है, एक डेफिनेटली उस स्टेटमेंट का इक्वेशन होगा। ये जो आपका इक्वेशन है क्या है, 2x + y - 4 = 0, ये एक स्टेटमेंट का इक्वेशन है। चलिए फिर बोल रहा है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 - 2। अब देखिए बात है डिवाइड करने की बात, डेफिनेटली रूप से एक इधर होगा एक उधर होगा, तब तो दोनों को मिलाएंगे तो इसको डिवाइड करेगा। सवाल में थोड़ा सा क्लियर क्या करूं, पी का अगर मैं मान लिया 2 - 2 दिया हुआ है और आपका एक दिया हुआ 3 - 7 और उधर मैंने मान लिया क्यू आपका 3 - 7। अब इस सवाल में क्या बोल रहा है कि जो दोनों पॉइंट को मिला अगर मैं चलिए मिला दिए, तो ये क्या करता है कि इस एबी को एक डेफिनेट रेशियो में डिवाइड करता है। क्या लगा हुआ, चलिए मान लिया मैंने डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मान लिया इस पॉइंट को क्यू, तो मान लिया कि जो पॉइंट है ना, जो कॉमन पॉइंट है मतलब ये जो पी क्यू जो और ए बी का जो कॉमन पॉइंट मान लिया वो आपका ए बी पी क्यू मान लिए सी है और इसका क्वाड्रेंट में मान लिया एक्स वाई है, क्या है एक्स वाई है, बट एक्स वाई मतलब लिखिए x1 y1 लिखिए, ठीक रहेगा। क्या मैंने मान लिया x1 y1 है और ये जो लाइन आपने पी क्यू खींचा है इस ए बी को मान लिया k = 1 में डिवाइड कर दिया। क्या करते हैं k = 1 में डिवाइड कर दिया, अगर इस ए बी को k = 1 में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे m1 और m2 मान करके भी बढ़ा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन m1 m2 में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन थोड़ा लंदी बनेगा, टू वेरिएबल का टू इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर उससे बचना चाहते हैं तो आप आराम से के से बना के मान करके आगे बढ़िए, मेरी राय तो यही है। चलिए तो अगर आपने यहां से ये चीज मान लिया,
अगर आपने इसको यहां से मान लिया ना, देखिएगा ध्यान से एकदम इजी है क्वेश्चन, थोड़ा भी डिफिकल्टी इसमें नहीं फील होगा आप लोगों को। मैंने केस टू वन मान लिया, तो सबसे पहले आप ये बताइए ये जो आपका पी क्यू इस एबी को केस टू वन में बांटा, तो आप बोल सकते हो ना कि एक्स वन बराबर, कहेंगे सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्स वन वाई वन आप लोग क्या कहोगे, सी का जो कोऑर्डिनेट है आपका एक्स वन वाई वन है और इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, यहां से क्या बोल सकते, ये आपका एम वन है और ये आपका क्या है एम टू है, तो यहां से बोल सकते एम वन एक्स टू, एम वन एक्स टू, एक्स टू मैंने क्या, ये मेरा एक्स वन वाई वन है, एक मिनट एक्स वन वाई वन मेरा ये है, अच्छा इसको एक्स वन वाई वन मान लीजिए, एक्स टू वाई थ्री मान लीजिए, तो आप यहां पे M1 इसको आप मानेंगे X1 Y1 और इसको मानेंगे आप X2 Y2, तो यहां से बोल सकते M1 X2, X2 आपका क्या है थ्री प्लस M2 जो कि कितना है वन, X1 X1 कितना है टू डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M1 Y2, M1 आपका क्या है इंटू Y2 क्या है सेवन प्लस M2 कितना है वन, Y1 कितना है माइनस टू डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या आएगा थ्री के प्लस टू डिवाइडेड बाई के प्लस टू, के प्लस टू और इसका आ गया सेवन के माइनस टू डिवाइडेड बाई के प्लस टू। चलिए यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ ही जानी चाहिए, यहां तक में तो कुछ है। अब हम लोग क्या करें, देखिए हम लोग कहेंगे सिंस सी लाइज ऑन ए बी सो सैटिस्फाई एल्सो, सो सैटिस्फाई एल्सो, अगर सी पॉइंट इस एबी पे लाई करता है तो डेफिनेटली रूप से सी जो है सी का जो कोऑर्डिनेट है या सी के पॉइंट का जो आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन ऑफ एबी को सेटिस्फाई करेगी। दादी मैं कह सकता हूं इसको मिटा दूं, चलिए देखिए इसको मिटा लेते हैं, यहां से आप लोग देखिए थ्री के प्लस टू सब ठीक निकला ना, हाँ तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए आप लोगों को एक चीज और बता रहा हूँ कि आप लोग कैलकुलेशन पे मत ध्यान दीजिएगा, मे भी कैलकुलेशन मिस्टेक को आप लोग ध्यान देखिए प्रोसीजर जो मेथड है उस पर ध्यान दें। तो अगर आपका ये पॉइंट इस पे लाइक कर रही है इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगी, सो इसका मतलब एक्स जो है आपका जो ये है जो एक्चुअली है क्या कि ये एक्स थ्री वाई थ्री है इस पॉइंट पे भी लाइक करता है, तो इसका मतलब वो क्या कि इसको कह सकते हैं टू एक्स थ्री प्लस वाई थ्री माइनस फोर बराबर जीरो होगा, क्योंकि आप देखिएगा जैसे कि टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन अगर आप पढ़ते होंगे तो इसमें जब ग्राफ ड्रॉ करते हो तो क्या करते हो आप एक लाइन खींचते हो, एक लाइन खींचते हो ना, और जब लाइन खींचते मतलब एक इक्वेशन दिया हुआ रहता तो लाइन जो खींचते हो कैसे खींचते हो, एक्स का वैल्यू पुट करते हो वाई का वैल्यू गेट करते हो, तो वो दोनों क्या होता है उस लाइन पे लाइक करता है तब ना वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये कंडीशन है, अपर क्लास में बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे, एक पर्सनल टॉपिक होगा मैथमेटिक्स का, बट मैं इस चीज को जो है यहाँ पे आप लोग को पार्टिकुलर नहीं डिस्कस किया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। टू इंटू एक्स थ्री, एक्स थ्री का वैल्यू आपका क्या हो गया थ्री के प्लस टू डिवाइडेड बाई के प्लस वन और प्लस वाई थ्री का वैल्यू क्या है सेवन के माइनस टू डिवाइडेड बाई के प्लस वन और आपका फिर माइनस फोर इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो। ये अगर आपको आ गया तो इसके बाद में इसको मिटा लो, ध्यान से देखना आप लोग, मैंने कुछ भी नहीं किया, अब इसको कैलकुलेट सिंपल सी बात करूं, यहाँ पे कह सकते सिक्स के प्लस फोर प्लस सेवन के माइनस टू एलसीएम में लूंगा तो यहाँ पे आ गया माइनस फोर के माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, आपको गलत रह जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर छह सात तेरह और तेरह में से चार के क्या तो क्या देगा नाइन के, फिर आपका चार चार कैंसिल हो जाएगी और ये टू राइट चले जाएगा, सो आपका के बराबर क्या देगा टू अपू नाइन। समझ में क्या पूछ रहा था देख लेते हैं, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, अच्छा रेशियो ही पूछ रहा था तो कहानी तो यहीं पे खत्म होगी, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ जाएगा टू अपू नाइन आ जाएगा, प्रूफ ठीक से लिखेंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो टू अपू नाइन आ गया, तो टू अपू नाइन रेशियो में क्या होगा उसको डिवाइड कर रहा है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स एक्स वाई वन टू एंड सेवन जीरो आर कोलिनियर, तो लिखेंगे यहां पे पहले जो पॉइंट ले लेते हैं ए इस पे बी इस पे भाई सी ले लिया, ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है एक्स वाई, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने इसको सपोर्ट कर लिया और बी का कोऑर्डिनेट आपको वन टू दिया हुआ है और सी का कोऑर्डिनेट आपका सेवन जीरो दिया हुआ है और यहाँ पे बताया हुआ है सिंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो आप कह सकते हैं सो एरिया ऑफ ट्रिंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रिंगल एबीसी इज इक्वल टू वन अपॉन टू मॉड एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री
प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू और मॉड करके बराबर जीरो, ये एरिया होता है, ये बार आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो होगा तो इंपल है टू उधर चले जाएगी तो जीरो ही होगी। एक्स वन ये आपका होगा, ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, ये एक्स थ्री वाई थ्री, तो एक्स वन एक्स वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू टू हो गया, वाई थ्री आपका जीरो हो गया, प्लस एक्स थ्री सॉरी एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन जीरो माइनस वन प्लस एक्स थ्री सेवन इंटू वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन माइनस वाई टू दैट मीन्स वाई माइनस टू इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, दैट इंप्लाई दैट यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई किए तो टू एक्स, इससे अगर इसको मल्टीप्लाई किए तो माइनस वाई, ये आपका क्या होगा सेवन वाई माइनस है, ठीक से लिखेंगे टू माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू जीरो। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या मिला टू एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू फोर्टीन, सो एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू क्या आ गया सेवन। इट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट ए बी एंड सी हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई वाई टू वन टू सेवन जीरो बी कोलिनियर। चलिए तो ये आपका सवाल जो हो गया खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर टू। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, देखो क्वेश्चन नंबर थ्री आप लोग उसे क्या पूछ रहा है, फटाफट आप लोग खींचेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री का था द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर माइनस वन टू एंड थ्री टू, तो फटाफट लेते हैं हम लोग ध्यान से देखना आप लोग। ये आपका एक स्क्वायर है और इसमें बोल रहा है कि एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसमें से बोल रहा है द टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर माइनस वन टू, ये आपका माइनस वन टू है और आपका ये आपका थ्री टू है। चलिए जैसा इसने बोला वही वैसा किया। अब कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्टिसेस, तो इसका और इसका कहता है क्या वर्टेक्स मतलब क्या कोऑर्डिनेट होगा मुझे ये पूछ रहा है। चलिए वो बात की बात है लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखना आप लोगों को क्या क्या मिला है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं देखिएगा, अगर मैं इसको मान लिया एक मिनट के लिए एक्स वाई, इसको मैंने मान लिया एक्स वाई, क्या मान लिया एक्स वाई, अगर मैं इसको एक्स वाई मान लिया तो आप लोग यहां से क्या कहोगे ध्यान से देखना आप लोग। चलिए अगर आप उसको एक्स वाई मान लिए तो यहां पे कहोगे ये चारों साइड आपका सेम है, तो चारों साइड सेम है, ये एंगल 90 डिग्री भी है, ऐसे तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। अगर 90 डिग्री की बात मतलब आप लोग को एंगल निकालना बता देते तो, लेकिन आप लोग को बताया नहीं, सो हम लोग यहां पर उस चीज को देखेंगे नहीं ना। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं यहां पर कह सकते हैं Since ABCD is a square, so अगर ये square है तो मैं बोल सकता हूं BC is equal to CD। अगर BC is equal to CD मैंने माना that implies that मैं बोल सकता हूं BC बराबर मेरा क्या होगा BC square, अच्छा BC बराबर CD that implies that BC square बराबर CD का square। अगर BC का square किया तो मेरा क्या होगा X1 minus X2 का whole square plus Y1 minus Y2 का whole square सीडी का स्क्वायर अगर मैंने किया तो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर, दैट मींस इसको अगर मैं सिंपलीफाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, क्योंकि माइनस वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट मींस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ही होता है, दोनों सेम ही होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन आ जाएगी, प्लस इसको अगर किए तो फोर माइनस फोर वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस फोर, ये आ गया। यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की कहानी खत्म हो जाएगी। फिर आपका एक्स वाली बात आती थी, अगर माइनस सिक्स इधर आ जाएगी तो एट एक्स, फिर अगर ये फोर वाई वाई फोर वाई कैंसिल हो जाएगा, कहानी खत्म हो गई। तो यहां से एट एक्स बराबर मेरा होगा फोर प्लस फोर, फोर भी कैंसिल हो रहा है ना, बहुत मजा कर रहा है पर। अगर वन राइट में गया तो क्या हो गया एट हो गया, सो एक्स बराबर कितना आ गया। अगर आपका एक्स का वैल्यू टू आ रहा है, एक्स का वैल्यू क्या मिल गया हम लोगों को टू मिल गया, अगर मुझे एक्स का वैल्यू टू मिला है तो फटाफट हम लोग टू लिख देंगे, यहाँ पे टू लिख दिया एक्स वैल्यू, चलिए तो इसको हम लोग लिख देते हैं टू वाई, ये आ गया। अच्छा वाई का भी वैल्यू मुझे चाहिए, अब वाई का वैल्यू क्या है वो देखते हैं, इसको मिटा ले एक्स का वैल्यू हम लोगों ने ओपन कर लिया यहां से, एक बार मैं फिर से देख लेता हूं यहाँ पर ये सही क्या है कि नहीं। अगर मैंने बीसी लिया तो बीसी में एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, फिर मैंने सीडी लिया एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर वाई माइनस टू का स्क्वायर, ये सही तो सही था, ऐसे भी दोनों कैसे होने वाला था। अच्छा ये ध्यान नहीं दिया नहीं तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल कर देते इसको, तो यहां से मुझे x बराबर टू निकल गया। अगर मैं x बराबर टू निकाल दिया तो मैं y की तरफ जाता हूं, देखना आपको ध्यान से यहां पर एक चीज और मैं करता हूं, इसको मिटा देते हैं। एक चीज और है कि आप लोग यहां से बोल सकते हो कि सो अब अगर मुझे x का वैल्यू टू मिल गया तो यहां से फायदा क्या मुझे मिलेगा कि आप यहां से एक चीज बता सकते हो क्या मालूम है, कह सकते हो
बीसी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर बीडी का स्क्वायर, दैट इंप्लाइज दैट अगर बीसी का स्क्वायर करोगे तो बीसी का स्क्वायर मतलब क्या होगा, एक डिस्टेंस हो जाएगा जिसका क्या होगा माइनस वन माइनस टू, दैट मीन्स डायरेक्ट कर लू निकालू, चलिए माइनस वन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी प्लस ये बीसी का हो गया स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर अगर मैंने निकाला क्या होगा एक्स माइनस सॉरी एक्स की जगह पे टू है तो टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी का स्क्वायर अगर मैंने किया तो थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस टू का होल स्क्वायर। देखिए आप लोगों ने मैंने क्या किया, आराम से इसको कर सकते हैं नाइन, इसको कर सकते हैं टू माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू, इसको अगर बड़ी करना चाहते तो कर सकते वरना इसी तरह से छोड़ लीजिए, लेकिन कर लेते हम लोग इसी तरह से रहने देते हैं। इसको मैं y माइनस टू का होल स्क्वायर लिख लेता हूं और ये और दोनों सेम चीज है ना, तो इसमें डबल कर सकता हूं और ये आपका ये भी आपका कितना आ गया, ये आपका वन आ जाएगी और फिर राइट साइड अगर मैं चलूंगा तो थ्री प्लस वन फोर का स्क्वायर मतलब सिक्सटीन प्लस ये आपका जीरो ही रहेगा, यहां तक मतलब यही चीज आएगा। अब यहाँ पे नाइन प्लस वन कितना हो गया टेन हो गया, उधर जाएगी तो क्या होगा दैट इंप्लाई दैट टू इंटू वाई माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर नाइन प्लस वन टेन, सिक्सटीन में से टेन गया तो सिक्स हो जाएगा और सिक्स टू से ये थ्री सिक्स जो होगा वो थ्री टाइम्स में कैसे, सो आपका वाई माइनस टू बराबर क्या होगा प्लस माइनस थ्री। अब अगर प्लस माइनस थ्री हो गया सो आप यहाँ से वाई बराबर बोल सकते हो कि प्लस माइनस थ्री प्लस टू, तो यहाँ पे आधर आपका पॉजिटिव फाइव होगा और यहाँ पे क्या माइनस, तो यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या होगा या तो आपका फाइव आ गया या माइनस वन आ जाएगा, तो यहाँ से कुल मिलाकर के हम लोगों ने वाई का वैल्यू फाइव और माइनस वन फाइव और माइनस वन ऑप्टेंट कर दिया, तो ये आपका आ गया टू और इसके बाद फाइव और माइनस वन, ये दो चीज मुझे मिल जाए तो कुल मिलाकर के मुझे मिला कि आपका ये टू फाइव और माइनस वन आ गया। अब इसके बाद जो है आपका देखना आपको अगर इतना आ जाता है तो अब मुझे निकालना क्या है इस पॉइंट ये ए का क्वाड्रेंट निकालना है, क्या निकालना ए का क्वाड्रेंट, अगर मैं ए का क्वाड्रेंट अगर मैं निकाला तो देखिए ए का क्वाड्रेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं इस पॉइंट को मिला दिया इससे तो आप जानते हैं कि इस दोनों का कॉमन पॉइंट होगा और ये दोनों क्या होगा दोनों का मिड पॉइंट भी है, अगर मैं इसको मान लिया एक्स थ्री वाई थ्री, क्या मान लिया एक्स थ्री वाई थ्री, तो आप बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट होगा इसको अगर मैं पी मान लिया तो पी बराबर दो चीज निकलेगा, एक तो इसका मिड पॉइंट, तो यहां पे कर सकते एक्स थ्री प्लस टू डिवाइडेड बाय टू और ये आएगा वाई थ्री प्लस फाइव और माइनस वन लिख सकते हैं और यहां पर लिख लीजिए डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू जो मुझे आएगा वो क्या आएगा ये इसका भी मिड पॉइंट है तो यहां पर थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई टू और ये आपका टू प्लस टू डिवाइडेड बाई टू ये चीजें मुझे मिल जाएंगी। अगर यहां से ये चीज मिलेगी तो यहां से क्लियर है ना कि आपका वन आ रहा है या आपका कितना आ रहा है टू आ रहा है, तो यहां से कर सकते हैं सो एक्स थ्री प्लस टू डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वन अपॉन सॉरी वन, तो यहां से एक्स थ्री बराबर क्या आ जाएगा जीरो, तो आराम से आ रहा है एक्स थ्री बराबर कितना आ गया जीरो आ गया और फिर इसके बाद अगर मैं यहां से ये किया वाई वन प्लस फाइव, यहां पर दो पार्ट है या तो ये लीजिए या इसके साथ ये लीजिए, तो वाई वन प्लस फाइव अपॉन टू पर ले लिया और ये भी ले लेते हैं साथ ही साथ वाई वन माइनस वन अपॉन टू बराबर आपको क्या आएगा टू प्लस टू फोर अपॉन टू दैट मीन्स टू, सो यहां से कर सकते हैं सो वाई वन बराबर या तो आपको क्या होगा माइनस वन और अगर इसको किए तो टू टू दैट फोर प्लस वन क्या होगा फाइव या फाइव, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया आपका जो एक्स ये पॉइंट ए का जो वर्टेक्स ए का जो आपका क्वाड्रेंट होगा वो आपका माइनस वन और फाइव हो जाएगा और वाई का जो क्वाड्रेंट आपका फाइव और माइनस वन हो जाएगा, तो इस तरह से हमने इसका भी वर्टेक्स फाइंड कर लिया। चलिए तो इस तरह से मेरा जो हुआ ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर कवर हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर के बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर फाइव है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव में आप लोगों से क्या पूछ रहा है, इसको मिटा लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव इजी है ना, आप दो साइड को सेम कर लीजिए एक में एक आराम से वो क्या कहते हैं वो एक डायगोनल वाला मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल को फॉर्म करके बना लीजिए, इसे छोटी छोटी आप लोगों को क्लू है। क्वेश्चन नंबर फाइव लेते हैं हम लोग, फाइव में क्या कर रहा है कि कह रहा है द क्लास टेंथ स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णा नगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, देयर इज अ ट्रेमुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट शोन इन द फिगर 7.14, द स्टूडेंट्स आर टू शो सीड्स ऑफ लॉन इन प्लांट्स आर द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द क्वाड्रेंट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल,
तो यहाँ पे आपको एक ट्रेनर दिया हुआ है, इसमें उसका जो भार टैक्स जो आपका क्लियर पता चल रहा है कि आपका जो पी क्यू आर है, ये तीनों का आपका भार टैक्स जो है आपका क्लियर है कि पी का आपका फिगर से पता चला कि 4/7 होनी चाहिए, और क्यू जो है इसका आपका पता चलना चाहिए कि 3-3 है, और आपका आर जो है आपका वो 5/6 है, ये चीज दिया हुआ, सॉरी 3/3 है, -3/3 है। अब इसमें बोला है सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोला आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस एरिया, अच्छा टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, तो उसका मैंने निकाल दिया। फिर मेरा सेकंड पार्ट में आप लोगों से पूछ रहा है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इफ सी इज द ओरिजिन, अच्छा अगर कहता कि फिर सी एक ओरिजिन होगा तो उस केस में क्या होगा, आप लोग बना लोगे, आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन दिस केस व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब दोनों केस में कहता है क्या उसका आपका एरिया निकालने के लिए, तो आराम से निकाल देंगे दोनों केस में कोऑर्डिनेट, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं अभी भी, और एक सी ओरिजिन जो आपको दिया हुआ फिगर में, फिगर एक्चुअली क्लियरली हम लोग बनाए नहीं है, आपका सी के रिस्पेक्ट में फिर इसका अगर बनाओगे और तो उस केस में जो इसका कोऑर्डिनेट आएगा उस केस में भी इसका एरिया निकालोगे, दोनों केस में आप एरिया निकालोगे फिर जो ऑब्जर्वेशन होगी, फिर कहता है एल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और एरिया सिंपल निकाले, इसमें कुछ थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं, आप लोग बना लेंगे, चलिए सिंपल सा एरिया निकाल करके बता देना दोनों केस में। फाइनल में अगर आप लोगों ने समझ लिए होंगे तो आपको मुझे लगता है कि आप लोग बना लेंगे। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सिंपल सा था, 6 नंबर देखिएगा क्या है, इसमें सबसे अच्छा जो क्वेश्चन था ना आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सीबीएसई में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन है आपको 1 नंबर अच्छी क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो एक मॉडल क्वेश्चन है, देखिए अब कहता है द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर 4, 6, 1, 5 एंड 7, 2, चलिए फटाफट इसको बना लेते हैं, तो एक ट्रायंगल एबीसी है और इसमें आपका 4, 6 और एक है आपका 1, 5 और एक आपका है 7, 2। अब इसमें पूछ रहा है कि ए लाइन इज ज्वाइन टू इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई, तो ए बी को आपका डी और ए सी को आपको ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/4, ये चीज दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/4 ये दिया हुआ। आप सवाल में पूछ रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एडी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडीई को जो है एरिया पूछ रहा है एंड द कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और एबीसी के ट्रायंगल से के एरिया से मुझे कंपेयर करना, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस फर्क यहाँ पे तो आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, मैंने आपको पढ़ाया हुआ ये आपका क्या कहते हैं उसको थ्योरम में या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम उसी को हम लोग बोलते हैं, उसमें मैंने इसके डिस्कस किया है, उसी का ये पार्ट एक काट के आपको दे दिया, ठीक है, और कुछ है नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और एरिया फॉर्मूला करके भी, तो चलिए हम लोग दोनों मेथड से बनाते हैं। सबसे पहले तो आप डी और ई का आप क्या करेंगे, यहाँ पे बोल दिया कि एडी अपॉन एबी बराबर 1/4, तो जरा इसको हम लोग मॉडिफाई करें, चलिए क्या करेंगे देखिए आप लोग, सिंस सो यहां से बोल सकते हैं एडी बराबर आपका क्या हो गया, सो एबी बराबर मेरा क्या आ गया 4 AD, क्या आ गया एबी बराबर मेरा क्या हो गया 4 AD, एबी बराबर मेरा 4 AD हो गया, और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि एबी का वैल्यू जो आपका क्या है एडी प्लस डी बी है इज इक्वल टू 4 AD, तो इस केस में क्या करेंगे कि अगर एडी को उधर कर लिए तो यहाँ पे डी बी बराबर मेरा क्या हो गया 3 AD, और यहां से सो मैं क्या कर सकता हूँ एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1/3 आ गया, तो ये मेरा किस फॉर्म में आ गया m1:m2 के फॉर्म में आ गया, चलिए इसी कहानी हो गया, सो मैं अगर डी का कोऑर्डिनेट निकालना तो क्या होगा, अगर आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानते हैं तो आराम से डी बराबर क्या बनेंगे m1 × x2 x1 y1 x2 1 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, फिर नेक्स्ट आता है आपका m1 y2 का कितना है देखेंगे हम लोग, अच्छा ये तो मैंने गलत लिख दिया, m1 x2 + m2 x1 फोर ना होगा चार वाला एक तीर यार सही होगा m1 y2, तो y2 मेरा कितना है 5 + m2 3 × x y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 कुल मिलाकर के ये मेरा कितना आ जाएगा 4/12 1/13/4 और सेकंड वाला आ जाएगा 6/18 18/5 23/4 ये आपका हो गया, ये आपका डी का कोऑर्डिनेट। फिर मैं अगर ई का कोऑर्डिनेट निकालने को चला तो देखना ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको मिटा ले
ये आप याद रखेंगे 13/4 और 23/4, तो 13/4 और 23/4 कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो अपना सही कर लेना, ऐसा नहीं कि आप बैठ के रोना। देखिए क्वेश्चन नंबर ई, अब इस ई नंबर में अगर हम लोग चले तो देखिएगा इसकी कहानी खत्म हो गई। अब ई का भाटा, ई का क्वाड्रेंट निकालते हैं, तो यहां पे बोल सकते हैं इस पार्ट से एसी बराबर 4ae, और एसी को मैं क्या बोल सकता हूं, एई प्लस ईसी बराबर 4ae, और अगर मैं उसको इस उधर कर दिया तो यहां से ईसी बराबर मेरा क्या होगा 3ae, सो मैं कह सकता हूं एई अपॉन ईसी बराबर 1/3 आ गया। सिमिलरली फिर निकालेंगे ये आपका m1/m2 हो गया, इसको x1/1 इसको x2/2 मानेंगे तो आपका e का जो भाटा x आएगा आप क्या कह सकते हैं, e का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या कहेंगे, m1 into x2 plus m2 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2। अब इसको कैलकुलेट करते 4 × 12 = 19/4, और ये आपका 6 × 18 = 20/4 जो कि आपका 5 के बराबर आएगा, तो 19/4 और क्या आ गया 5, इसको लिख लेंगे 19/4 और ये 5। अब यहां पे सवाल में क्या पूछ रहा है नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देखिए, चलिए इसको फटाफट उठा ले। अब जो है आपका 19/4 और 5 आ गया, अब इसके बाद का पार्ट हम लोग पढ़ते क्वेश्चन में। अब कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एडीई, तो मैं यहां से एडीई का एरिया निकाल सकता हूं, अपने निकाल लेना आप लोग। फिर कहता है एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, अब यहां पे मैं अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या निकाला मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो आपको ध्यान से देखना आप लोग, देखिए आप लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू मेरा क्या होगा 1/2 mod x1 y1 x2 y2 x3 y3, एक्स मेरा कितना है 4, y2 minus y3 कितना है प्लस x2 y3 minus y1 y3 मेरा कितना है x2 y3 minus y1 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2। अब इसको कैलकुलेट किया तो 1/2 ये आपका क्या हो गया 5 into 3 = 4, 3 = 12, और ये आपका -4, और ये आपका क्या हो गया +7, कुल मिलाकर के आपका कि 12 + 7 = 19 में से तारीख तो कितना हो गया 15/2 यूनिट स्क्वायर, ये आपका किसका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। और यहां पे कर रहा कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एडीई, अगर आप ट्रायंगल एडीई का एरिया निकालोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा ये हमसे पूछ रहा है। और यहां पे क्या है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ये आपका 15/2 अगर आ रहा है तो आप अगर कैलकुलेट, ये अगर आपका सही एरिया होगा तो आप याद रखना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अगर निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर एडीई निकालोगे तो आपको जो आएगा वो आपका आएगा एडीई है ना, एडीई अपन एबीसी 1/16, और फिर एबीसी जो आपका है 1/16 = 15/2, ये आपका डेल्टा डिवाइडेड बाय 15/2 अच्छा। तो यहां पे क्या होगा मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आपका ये 15/2 आता है तो सिंपल सी बात है आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई निकालोगे, ठीक, जो भी आएगा आपका, तो उसके बाद में क्या कहता है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एडीई एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और उसके बाद अगर कंपेयर करोगे ना तो मैं बता रहा हूं आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो आएगा आपका वो आपका 1/16 आ जाएगा, ठीक, आप अपना कैलकुलेट करके देख लेंगे, ठीक। तो कुल मिलाकर के आपका ये कितना आना चाहिए, मुझे लग रहा है ये आपका जो आना चाहिए 15/15 ऊपर में 32 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब जो भी आएगा अपना कैलकुलेट कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो आपका है मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए 7 की तरफ क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में
में बनवे कहता लेट ए बी एंड सी बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो मैं तो लिख लेता हूं मैं एक ट्रायंगल एबीसी है और ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी है और इसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या, अच्छा इसमें लग रहा है कि मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ दिया हूं ना, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, अच्छा मैं बता देता हूं अभी, थ्री नंबर आप लोगों को मैंने छोड़ दिया। अरे सेवन नंबर पहले देख लीजिए, सेवन नंबर में कहता है कि लेट ए इक्वल टू फोर टू, अगर मैं ए का कोऑर्डिनेट आपको फोर टू बता दिया और बी का कोऑर्डिनेट आपका मैंने सिक्स फाइव बता दिया, सी का कोऑर्डिनेट वन फोर बता दिया। अब इसमें कह रहा है बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी द मीडियंस फ्रॉम ए मीट्स बीसी एट डी, ए से हमें मीडियंस खींचा जो कि डी पे मिल रहा है, ये आपका मीडियंस है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी, तो आप आराम से पूछ सकते हैं पहली बात में कि डी बराबर जो होगा मेरा एक्स वन प्लस एक्स, इसको अगर मैं ये एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज मतलब सिक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू और फिर फाइव प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू, तो इसका मतलब ये आ गया आपका सेवन अपॉइंट टू और नाइन अपॉइंट टू, ये चीज मिल गया। फिर सेकेंड पार्ट में कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी ऑन ए डी, अच्छा इस ए डी पर अगर मैं कोई पॉइंट पी ले लिया, मान लिया पी ले लिया, तो कहता है कि पी का कोऑर्डिनेट बताओ सच दैट एपी इज टू पी डी बराबर टू इज टू, तो इस पी का कोऑर्डिनेट बताता, डी का आपका सेवन अपॉइंट टू नाइन अपॉइंट टू निकल गया। अब यहां पे बोला है कि सिंस आपका एपी इज टू पी डी बराबर टू इज टू वन दिया जो कि आपका एम वन अपॉन एम टू होगा, तो अब आपका पी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, अगर आप इसको एक्स वन वाई वन ये सॉरी इसको आप एक्स वन वाई वन इसको एक्स टू वाई टू जो आपका ये है मान लेते हैं, इसको यहीं पे लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा, सेवन अपॉइंट टू नाइन अपॉइंट टू। अब हमको पूछ रहा है सो अगर आप पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए चले तो क्या बोलेंगे, पी का जो कोऑर्डिनेट होगा, सो पी का जो कोऑर्डिनेट होगा एम वन एक्स टू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू एक्स वन फोर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू निकाल लिया। अब यहां पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो टू से कैंसिल सात ग्यारह बटे तीन आ जाएगी ये और यहां पे आ जाएगा दो दो कैंसिल नौ दो ग्यारह बटा तीन आ जाएगा सर ये दोनों से। अब फिर कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू ऑन आर, कहां क्वेश्चन चल गया फिर ये, अच्छा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू एंड आर ऑन द मीडियन बी एंड सी एफ, अच्छा फिर बोल रहा है कि बी एक लाइन खींचे और सी एफ एक लाइन खींचे ठीक और ये भी इसका मीडियन ही है और इसको कह रहा है कि टू इज टू वन में डिवाइड कर रहा है, क्या करने के लिए टू इज टू वन में आपको बोल दिया, तो मैं आपको बता दूं ध्यान से आप लोग देखना सेवन का ये आपका वन का ये था ये टू था, आप थ्री नंबर देखिएगा, तो अब अगर आप थ्री नंबर देखेंगे तो आपको बोलना है कि ये पॉइंट जो है ना जो टू इज टू वन फॉर बी, ऐसे देखिए फॉर बी आपका बी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू बी आपका दिया हुआ है टू इज टू वन, और मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट बात, वो देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात है, क्यू का भी जो आएगा ना कोऑर्डिनेट यही आएगा, आप लोग निकाल लेना एम वन एम टू और आपका एक्स वन वाई वन ये होगा एक्स टू वाई टू, ई का आप लोग निकाल लेना, ई का क्या होगा फोर प्लस वन फाइव अपॉइंट टू फोर प्लस टू सिक्स अपॉइंट टू दैट मीन्स कितना आएगा थ्री, और फिर इसका भी निकाल लेना क्या होगा सिक्स प्लस फोर अपॉइंट टू दैट मीन्स फाइव और फाइव प्लस टू अपॉइंट सेवन सेवन अपॉइंट टू, इस तरह से आप क्या करेंगे पी का निकालेंगे टू इज टू वन में ही डिवाइड होगा। फिर सवाल में आ रहा है कि तो हर केस में फॉर बी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू टू अपॉन वन के लिए क्यू का जो कोऑर्डिनेट होगा आपका इलेवन अपॉइंट थ्री इलेवन अपॉइंट थ्री होगा, अब आप अपना कैलकुलेट कर लेंगे एम वन एम टू ये हो गया और आपका इसके लिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू बी के लिए, फिर आपका अगर दिखाई दे रहा है तो मैं दिखाता हूं एक चीज और आप लोगों को, इसी में ये थर्ड का ही है इसको मिटा लेता हूं, ये जो पार्ट है इसको मिटा लेता हूं। सिमिलरली एंड यहां पर अगर फोर फॉर अगर आप यहां पे सी एफ के लिए डिस्कस करते हो तो सी एफ के लिए जो आपका यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ है आर, यहां पे अगर आप पॉइंट आर तो आपका जो आर होगा ना आर का यहां पे आर जो होगा आपको बोल दिया कि सी आर अपॉन आर एफ का जो वैल्यू है आपको टू अपॉन वन है,
इस केस में मैं बता दूं आर का भी कोऑर्डिनेट 11.3 11.3 ही निकलेगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, इसको आप एक्स वन वाई वन मानेंगे, इसको आप एक्स टू वाई टू मानेंगे, इस केस में आपका आर का कोऑर्डिनेट भी ही निकलेगा। कुल मिलाकर के मेरा सवाल ये हुआ कि पी क्यू और आर ये तीनों एक ही चीज हो जाएगा, तीनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगा। चलिए इसकी कहानी करता हूं। फिर कहता हूं व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या ऑब्जर्व किए, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि आपका पी क्यू एंड आर तीनों को तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरस मतलब मिल रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं कनकरेंट। अगर थ्री और मोर देन थ्री लाइंस अगर एक ही पॉइंट पे मिलती है तो उसको कनकरेंट पॉइंट्स कहते हैं। तो ये आपका हो गया कनकरेंट हो गया, मतलब यही आप बोल सकते हैं उसको तीनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। अगर ये तीनों एक ही पॉइंट्स पे मिलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, इसी को हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड में गया, फिर कहता है एंड दिस पॉइंट डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो आपका जो गया ये आपका मीडियन, तो यहां से हम लोग लेकिन ये सीखा कि किसी भी ट्रिंगल का मीडियंस जो होते हैं वो ईच अदर 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, साथ ही साथ वो तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग सेंट्रोइड के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक गजब का इन्फॉर्मेशन रहा, इसको याद रखें। और आपका जो क्वेश्चन मैंने थ्री नंबर छोड़ दिया था वास्तव में इसी से रिलेटेड वो भी था। चलिए अच्छा ही वो पहले इसको डिस्कस कर लिया, वो आपके लिए छू मंत्र का काम बहुत बढ़िया किया छोड़ कर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या था मैंने छोड़ दिया, वो वास्तव में यही क्वेश्चन था, बोल रहा था कि देखिएगा थ्री नंबर में फाइंड द सेंटर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अगर मैं को मान लिया कोई सर्किल है और एक पॉइंट आपका 6-6 दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है 3-7 और तीसरा पॉइंट आपका 3-3 दिया हुआ है, तो कहता है इस सर्किल का सेंटर बताओ क्या होगा, इस सर्किल का सेंटर क्या होगा वो मुझे बताना है। कितना ईजी है, कहो कैसे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ये बताना आप लोग, थोड़ा सा आपको इसको अल्टर ले लें तब ठीक रहेगा देखने में। मैं आप लोग इंपॉर्टेंट बता देता हूं, अगर आप इसको मिला दीजिए तो क्या मिलेगा मुझे, क्या बन गया, ट्रिंगल बन गया, ट्रिंगल बन गया। तो ये आपका कौन सा सर्किल हो गया, सेमी सर्किल हो गया, सॉरी सेमी सर्किल कहता हूं आपका जो ये हो गया आपका ये सर्किल, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सर्किल, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। अगर सर्कम सर्कल बोलते हैं तो सर्कम सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है, उसका सेंटर कहां होता है, तो आप जानते होंगे कि सर्कम सर्कल का जो आपका सेंटर, उसका जो सेंटर होता है ना वो आपका मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो अगर आप इसका मीडियन ड्रॉ करोगे तो इस तरह से, इसका मीडियन ड्रॉ करोगे तो इस तरह से, इसका मीडियन ड्रॉ करोगे तो इस तरह से, इच अदर इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट। अब वास्तव में वो पॉइंट कौन सी पॉइंट होती है, और वास्तव में वो पॉइंट होती है कि आपका ये मीडियंस, ये जो मीडियंस है ना, अगर मैं इसको मान लिया पी और इसका नाम अगर मैं एबीसी रख दिया तो ये जो आपका पी पॉइंट है ना वो पेंट पी पॉइंट जो है आपका एबी एडी टू, अगर मैं इसको डी मान लिया, एडी अगर मीडियन है तो इस केस में ना ये आपका पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है एपी इज टू पीडी बराबर 2:1 होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मीडियंस ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स ईच अदर 2:1 रेशियो, तो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप लोग यहां से बोल सकते हैं क्लियरली, अगर मैं इसको इस सेंटर को ओ मान लिया और रेडियस को आर मान लिया और सर्किल को मैं बोल सकता हूं सर्किल सी ओ आर इज सर्कम सर्कल। सो अगर ये सर्कम सर्कल हो गया तो आप पी का क्वाड्रेंट, सो एपी अपॉन पीडी सिंस, अच्छा इसकी लिखने की कोई दिक्कत नहीं, सिंस एपी अपॉन पीडी, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू 2:1 हो गया, जो कि आपका एम वन इज टू एम टू हो गया। अगर ये एम टू एम वन डिवाइडेड बाई एम टू का फॉर्म ले लिया तो अब बात आती है कि ये आपका एक्स वन वाई वन हो गया, ये आपका बी का जो कोऑर्डिनेट था, सॉरी मैंने देखा अच्छा 3:3 आने का हुआ, ये आपका मैंने इसको मान लिया कि ये आपका एक्स टू वाई टू और इसको मैंने मान लिया एक्स थ्री वाई थ्री। तो अगर आप डी का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो आपका क्या होगा, ये तो आराम से बोल दोगे कि 3+3 क्योंकि मिड पॉइंट है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 3+3 6/2 दैट मींस 3 3-7 -4 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस -2, ये आपका आ जाएगा डी का कोऑर्डिनेट। अगर आपने डी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया आपका कितना आ गया 3-2, तो इस केस में मैं आपका आराम से बता सकता हूं पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला। तो पी का जो कोऑर्डिनेट होगा m1/m2 और आपका x1/y1 इसको मान लेंगे, इसको x2/y2 मान लेंगे, इसको x2/y2 की तरह ट्रीट करेंगे, इसको x1/y1 की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये तो आपका पार्टिकुलरली अलग सेक्शन के लिए मैंने माना था। अब इसको मिटा दीजिए, इसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब इसको आप x1/y1 मान लीजिए, इसको x2/y2 मान लीजिए। आप इस केस में इस पॉइंट पी का सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होगा m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2
m1 y2, m1 आपका कितना है 2 into y2 कितना x1 y1 x2 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 m2 y1 या यहाँ पर इसको कैलकुलेट करोगे 3 to the 6 plus 6 12 upon 3 that means 4 और इसके बाद ये आपका आता minus 4 minus 6 minus 10 upon 3 तो ये आपको minus 10 upon 3 तो अब इस हरेक के लिए निकाला जरूरत नहीं है यही आपका जो है वो आपका सेंटर ऑफ दिस सर्किल हो जाएगा आप लोग याद रखिए मतलब फिगर एग्जैक्ट नहीं हम लोगों ने बना पाया बट एक्चुअली में सर्किल का जो सेंटर होगा ना वो आपका यही हो जाएगा समझ गए ये आप लोग याद रखना ये आपका सर्किल का सेंटर हो जाएगा एक्चुअली फिगर मैंने अच्छे से ड्रॉ नहीं किया ऐसा करते हैं कि सर्किल को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ये आपका सर्किल हो जाएगा ठीक ठीक इस तरह से हम लोग बना लेंगे फिर भी एग्जैक्ट फिगर नहीं बना चलिए अब आप लोग का ये क्लियर हो गया अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8 नंबर के तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है 7 तक हो गया ये 3 अगर छूट गया था इसलिए मैंने फिर से डिस्कस कर लिया ये अच्छा क्वेश्चन ये भी तो आपके बुक में कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तभी तक मुझे दो क्वेश्चन ठीक लगा एक ये क्वेश्चन ठीक लगा और एक आपका फर्स्ट क्वेश्चन ठीक लगा 1 और 3 यही तो थोड़ा मॉडलिस्ट क्वेश्चन था उसके बाद तो सब बकवास था देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या है 8 नंबर में कि एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल फॉर्मड बाय द पॉइंट्स 1 -1 -1 तो फटाफट जो भी बोल रहा है मैं कर लेता हूं देखिए आपका ये एबीसीडी है ये आपका रेक्टेंगल है और इसमें ए का कोऑर्डिनेट -1 -1 दिया हुआ है बी का कोऑर्डिनेट -1 -4 दिया हुआ है सी का कोऑर्डिनेट आपका 5 -4 दिया हुआ है और डी का कोऑर्डिनेट आपका 5 -1 दिया हुआ है अब इसमें पूछ रहा है PQ R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DE. तो PQ इसका midpoint है. P Q इसका midpoint है. R इसका midpoint है. S इसका midpoint है. तो जब midpoint है तो midpoint का तो मैं आसानी से बताया हूँ आप लोगों को निकालना क्या चाहिए? Coordinate. तो कैसे निकालोगे? X1 plus X2 upon 2. That means -1 ये भी हो जाएगा. -1 -1 -2 upon 2. That means -1 और 4 -1 3 upon 2 ये हो जाएगा. फिर Q का अगर आप लोगों ने निकाला तो क्या होगा? -1 ये आपका आ जाएगा. 5 -1 4 upon 2. That means 2. 4 + 4 8 upon 2 that means 4 और R का अगर निकाला तो 5 + 5 10 upon 2 that means 5 और 4 -1 3 upon 2 ये आ जाएगी S का अगर निकाला 5 - 1 4 upon 2 that means 2 -1 -1 -2 upon 2 that means -1 ये आ गया फिर इसके बाद अगर आपका बात आती है वो है चलिए मिड पॉइंट ऑफ चीज निकालिए इज द रेक्टेंगल इज द क्वाड्रेटर PQR इज ए स्क्वायर तो कहता है क्या PQRS एक स्क्वायर है ये मुझे पूछ रहा है चलिए तो हम करते हैं ये फिर पूछ रहा है PQRS ए स्क्वायर और ए रेक्टेंगल और ए रोम्बस जस्टिफाई योर आंसर तो इसमें से क्या है ये आपको बताना है चलिए तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं क्या सबसे पहले मैं PQ PS निकाल लेता हूं क्या निकाल लेता हूं PS तो अगर सॉरी पहले मैं PQ निकाल लेता हूं अगर मैंने PQ निकाला तो PQ बराबर मेरा क्या हो जाएगा अंडर रूट x1 x2 दैट मींस -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 मतलब 3 upon 2 - 4 का होल स्क्वायर ये आपका आ गया इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 9 प्लस ये 4 दोनों 8 8 में 3 -8 प्लस 3 कितना -5 upon 2 दैट मींस 25 upon 4 फिर इसको कैलकुलेट किया तो 9 के 36 प्लस 25 कितना होगा 60 1 upon 2 ये आ गया फिर आपका आता PQ के बाद QR अगर आपने QR निकाला तो रूट अंदर x1 y1 x2 y2 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 upon 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका क्या हो गया 9 ये अपन ने कैलकुलेट किया तो 4 × 8 में से 3 गया 5 और 5 बटे में 25 बटा 4 आ गया इसको भी किए तो रूट अंदर 16 upon 2 इसी तरह से अपना निकालते रहना आर एस एस पी सब का सब आएगा रूट अंदर 61 upon 2 क्या आ गया आगे अगर ये आपका इतना तो अब हम लोग क्या करते हैं ध्यान से देखना आप लोग अब हम लोग थोड़ा क्यूएस निकाल के देखते इतना तो क्लियर है कि आपका ये जो है वो होगा रेक्टेंगल से थोड़ा ऊपर की बात सॉरी अभी तो पहले मैं एंगल की बात करता हूं तो अभी तक में मुझे क्या बन गया ये एक रोम्बस बन चुका क्योंकि चारों साइड से मैं तो इसका मतलब रोम्बस आ गया अब मैं क्यूएस निकालता हूं क्यूएस को अगर मैंने निकाला अंडर रूट तो मेरा क्या रहेगा 2 - 2 + 4 + 1 दैट विल बी मेरा क्या हो जाएगा ये आपका 5 का होल स्क्वायर दैट मींस 5 ये आ गया ये मेरा क्यूएस का वैल्यू आ गया अगर आपने क्यूएस से वैल्यू निकाल लिया अगर आपने क्यूएस का वैल्यू निकाल लिए तो देखिएगा आप लोग अब इसके बाद क्या करना आप लोगों को सिंस क्यूएस या एस क्यू लिखिए
क्यू एस का स्क्वायर बराबर नॉट पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे ना तो ये दोनों सेम नहीं आता है। जब ये सेम नहीं आ सकता सो एनी ऑफ द एंगल ऑफ द स्क्वायर लेटर पी क्यू आर एस दैट मीन पी क्यू पी बराबर नॉट डिग्री। मैं पी के बारे में यही बात करूं तो पी बराबर नॉट 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री नहीं हुआ तो ना ही जब 90 डिग्री नहीं हुआ तो रोम्बस सॉरी रेक्टेंगल और स्क्वायर का पत्ता साफ हो गया, बच कम गया, बच गया आपका रोम्बस। तो सुमित जी रोम्बस तो कुल मिलाकर के देखिए हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का भी कंप्लीट रूप से डिस्कशन कर लिया। तो इसमें देखिए मैंने मैं आपको बार बार बताता हूँ। देखिए अब इसमें क्या देखिए एक दो पैटर्न का क्वेश्चन आप नया नया ढंग से सीखे। एक जिसमें आपका था वो लाइन सेगमेंट वाला पहला क्वेश्चन था इसमें आप लोग याद रखिएगा। इस अगर एक्सरसाइज का सबसे अच्छी क्वेश्चन था तो वही था और एक आपका ये सेंट्रोइड निकालने की। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन अच्छा नहीं था तो सारा का सारा पीछे वाला ही था और थोड़ा सा क्वेश्चन को दो चार पांच चीज डाल करके लंबित कर दिया था ना कि क्वेश्चन में कुछ क्लू कोई था। सिंपल सिंपल क्वेश्चन था एकदम फॉर्मूला बेस्ड था। बट ये दो क्वेश्चन जो मैंने बताया था वन और थ्री अच्छा क्वेश्चन था। चलिए तो आप उस दो क्वेश्चन को पैटर्न को बना ले कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। चलिए ठीक है फिर मैं मिलता हूँ आप लोगों के अगले एक्सरसाइज में जिसमें डिस्कस करने वाला रहूंगा ट्रिग्नोमेट्री। और आपका यहां तक मेरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। चलिए थैंक्स ऑल ऑफ यू बाय।